अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुश आमदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों वी हैव अनदर ओप्पो फोन इन द हाउस। ये है ओप्पो A60 जो कि अभी ही पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। रिटेल प्राइस है 55,000 रुपए और आप तो जानते ही हैं कि आजकल ये प्राइस पॉइंट बहुत ही ज्यादा हॉट चल रहा है। पाकिस्तान में इसका एक ही वेरियंट लॉन्च हो रहा है 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ। तो अब जल्दी से चल के करते हैं इसे अनबॉक्स और फिर वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा कि आपको ये ओप्पो A60 कैसा लगा। तो फोन इस व्हाइट कलर के बॉक्स में आता है जिसपे ओप्पो A60 की ब्रांडिंग है। यहाँ आगे बड़ा बड़ा 60 लिखा हुआ है। बॉक्स के साइड पे फोन के कुछ मेन स्पेक्स मेंशन है। अब चल के जरा बॉक्स को खोल लेते हैं। तो बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर हमारा हैंडसेट है जो कि आज हमारे पास रिपल ब्लू कलर में आया है। इस पे जब लाइट पड़ती है तो इस पे ये पानी जैसे रिपल्स दिखते हैं। आगे बढ़े तो बॉक्स में फोन के साथ ये ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस आता है। साथ में कुछ यूजर मैनुअल्स हैं, एक सिम इजेक्टर टूल है और ये 45 वॉट की सुपर वूक पावर ब्रेक और चार्जिंग केबल है। अब अगर बात को शुरू करें डिजाइन से तो ओप्पो A60 की जो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस की वो है इसका स्लिम प्रोफाइल। इस फोन की थिकनेस 7.7mm रखी गई है जो कि फोन्स की दुनिया में स्लिम कंसिडर की जाती है। इस रिपल ब्लू कलर के साथ साथ ये फोन मिडनाइट पर्पल में भी अवेलेबल है इन केस यू वांट समथिंग अ बिट मोर सोबर एंड मिनिमलिस्टिक। फोन की पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है जो कि इस प्राइस पॉइंट के मिड रेंज फोन्स में अब काफी स्टैंडर्ड सी बात हो चुकी है। फोन की बैक हाई ग्लॉस फिनिश में रखी गई है बट थैंकफुली इस ब्लू कलर पे फिंगरप्रिंट ज्यादा नुमाया नहीं होता है। फोन की फ्रेम को मैट फिनिश में रखा गया है और इसकी एजेस चैम्फर्ड हैं तो ये फोन हाथों में उठाने में काफी कंफर्टेबल महसूस होता है। बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो फोन के राइट साइड पे इसके वॉल्यूम रॉकर्स हैं जिनके नीचे ये पावर बटन है और इस पावर बटन में ही इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। नीचे वाली तरफ एक हेडफोन जैक, माइक, टाइप सी पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल है जबकि ऊपर वाली तरफ या ईयरपीस में इस फोन का सेकेंडरी स्पीकर दिया गया है। अब दोस्तों एक चीज जिसे ओप्पो ने इस फोन के बारे में काफी मार्केट किया है वो है इसकी मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस। तो ओप्पो A60 के पास मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H की सर्टिफिकेशन है जिसका मतलब है कि ये फोन ड्रॉप्स और एक्सीडेंट्स और टफ एनवायरमेंटल कंडीशन को बर्दाश्त करेगा और एज अ लॉन्ग टर्म यूजर इस चीज का फायदा आपको दिखेगा इस फोन की ड्यूरेबिलिटी और इसके लाइफ स्पैन में, यानी कि इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। सो मच सो कि ओप्पो यहां क्लेम कर रहे हैं कि इस फोन को आप 4 साल तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरा मॉड्यूल वाली साइड पे वंस अगेन हम वैसा ही रनवे डिजाइन देख रहे हैं जो हमने इससे पहले ओप्पो A78 में भी देखा था। बस इस बार फर्क ये है कि यहाँ एक फिजिकल कैमरा मॉड्यूल है जो कि नो डाउट काफी पतला है बट इट्स स्टिल देयर। अब दोस्तों स्लिम होने के साथ साथ ये फोन वजन में भी काफी कम है। इसका वजन सिर्फ 186 ग्राम है जो कि अगेन फोन्स की दुनिया में थोड़ा लाइट कंसिडर किया जाता है। और इस ओप्पो A60 में IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस भी दी गई है तो ये हल्की फुल्की बारिश और स्प्लैशेस आराम से बर्दाश्त कर लेगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो ओप्पो A78 में तो डिस्प्ले काफी छोटा रखा गया था जबकि यहाँ 6.67 इंचेस का ज्यादा बड़ा डिस्प्ले है। लेकिन इस डिस्प्ले के स्पेक्स देख के मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ओप्पो यहाँ क्या करना चाह रहे हैं क्योंकि इवन तो इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz है, ये है एक IPS LCD पैनल जिसका रेजोल्यूशन 720p है। तो नो फुल HD रेजोल्यूशन हियर। 90Hz के 720p IPS LCD डिस्प्लेज अब एंट्री लेवल डिस्प्लेज कंसीडर किए जाते हैं। तो 55,000 के हाईली कंपेटिटिव प्राइस पॉइंट पे आई विश डिस्प्ले यहां थोड़ा बेहतर होता। अब 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ इस डिस्प्ले की एक और पॉजिटिव बात है इसकी 950 nits की पीक ब्राइटनेस जो कि ओप्पो ने इंश्योर किया है कि इस फोन के मेन सेलिंग पॉइंट्स में भी बताया जाए। इनफैक्ट बॉक्स पे इन्होंने टॉप पे 950 nits लिखा है लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे 120Hz के AMOLED डिस्प्लेज अब आमतौर पर मिलते हैं। और यहाँ ऐसे एंट्री लेवल डिस्प्ले का अगर कोई एक प्लस पॉइंट है तो वो सिर्फ ये है कि ये बैटरी बहुत ही कम कंज्यूम करेगा और ऑफकोर्स इसकी 950 nits की पीक ब्राइटनेस। अब आगे बढ़ के बात करते हैं ऑडियो एक्सपीरियंस की। तो यहाँ इस फोन का एक पॉजिटिव फीचर सामने आता है जो कि हैं ड्यूल स्पीकर, जैसे कि आपको पहले बताया एक स्पीकर यहाँ नीचे है दूसरा यहाँ ईयरपीस में है और ऐसे ड्यूल स्पीकर से वीडियोस और मूवीज देखते हुए आपको बेहतर इमर्जन मिलेगा। साथ में गेमिंग में भी फायदा हो जाता है क्योंकि लेफ्ट और राइट चैनल्स दोनों से ऑडियो आ रही होती है और ड्यूल स्पीकर्स का वॉल्यूम और ऑडियो क्वालिटी भी अमूमन बेहतर होती है। और इस फोन के बॉक्स पे भी हमें एक और इस फोन का फीचर बताया गया है और वो है 300% अल्ट्रा वॉल्यूम मोड। तो आप इस फोन का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा बढ़ा के भी कॉन्टेंट देख सकते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस फोन की चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ कोई बहुत पावरफुल सेटअप नहीं है, सेम एज द ओप्पो A78 हमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट मिल रहा है जो कि 6nm का चिप है। साथ में अड्रीनो 610 GPU है, 8GB RAM है और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज है। अब अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो यहाँ फुल ड्यूल सिम सपोर्ट मौजूद है। तो फोन में दो सिम्स के साथ एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है। जहाँ तक बात है स्नैपड्रैगन 680 की तो ये एक 4G चिपसेट है
अनटूटू में ये 3 से 3.25 लाख तक का स्कोर मैनेज करता है, तो कुछ ज़्यादा पावरफुल चिपसेट नहीं है। इसकी एक बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये बहुत ही पावर एफिशिएंट है, तो ना ही ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। डेली यूसेज में तो ये चिपसेट आजकल की मेन स्ट्रीम पॉपुलर एप्स, सोशल मीडिया, वीडियोज़ और मूवीज़ वगैरह आराम से हैंडल कर लेगा। फिर ये UFS 2.2 स्टोरेज है जो कि EMMC स्टोरेज की तरह फुल होने पे स्लो डाउन नहीं होगी, लेकिन अगर आप अपने फ़ोन पे बहुत गेमिंग करते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए नहीं है। ये फ़ोन उन लोगों के लिए है जिनका फ़ोन का यूसेज काफ़ी एवरेज टाइप का है, डे टू डे मोबाइल एप्स ज़्यादा चलाते हैं और वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं फ़ोन के लुक्स में और इन ओप्पोस केस कैमराज में। तो यहाँ कैमरा सेटअप भी बिल्कुल ओप्पो A78 जैसा ही है। बैक पे ये ड्यूल कैमरा सेटअप है जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद F1.8 एपर्चर, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है जबकि आगे वाली तरफ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अब दोस्तों 55,000 वाले प्राइस पॉइंट पे स्पेक्स के हवाले से तो ये कैमरा थोड़ा सा अंडरस्टैक्ड महसूस होता है, लेकिन पहली नज़र में मुझे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है। 50 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन 55,000 वाले प्राइस पॉइंट के लिए थोड़ा कम है, लेकिन मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मेगापिक्सल्स aren't everything और ओप्पो के कैमरा एल्गोरिथम्स काफ़ी लेवल के हैं, तो इमेजेस में हमें वाइट बैलेंसिंग बहुत अच्छी मिलती है, कलर्स भी अच्छे और सैचुरेटेड हैं, डायनामिक रेंज भी मुझे पसंद आई। आप यहाँ स्काई को ज़रा चेक करें, कितना अच्छा ब्लू स्काई निकाला है, लेकिन यकीनन 50 मेगापिक्सल का लोअर रेजोल्यूशन महसूस होता है। बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है, लेकिन स्नैपड्रैगन 680 से आप कितना ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे वाली तरफ आ जाएं तो ओप्पो A78 की तरह मैं यहाँ भी सरप्राइज था कि ओप्पो ने 55,000 के प्राइस पॉइंट पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर डाला है, और मेरा ख्याल है कि मेगापिक्सल्स अगर बहुत ज़्यादा कम कर दें तो मेगापिक्सल्स रियली डू मैटर। लेकिन यहाँ भी ओप्पो की सॉफ्टवेयर गेम टॉप नॉच है, कलर्स और डायनामिक रेंज अच्छी हैं, लेकिन अगेन 8 मेगापिक्सल का लोअर रेजोल्यूशन थोड़ी सॉफ्ट इमेजेस निकालता है जो कि आपको महसूस होगा। फ्रंट कैमरा का भी मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। अब अगर बात करें इंटरफेस एक्सपीरियंस की तो ओप्पो A60 कम्स विद एंड्रॉयड 14 और इस पे ओप्पो की अपनी कलर OS 14 लगी हुई है जो कि एंड्रॉयड का एक लाइटली स्किन्ड वर्जन है। आउट ऑफ द बॉक्स इस फोन में ब्लोटवेयर भी है और फोन आपको ऐप मार्केट और सजेशन नोटिफिकेशंस भी देता है। ऑब्वियसली आप ये ब्लोटवेयर ऐप्स खुद अनइंस्टॉल कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस को भी ऑफ कर सकते हैं। फोन का डायलर गूगल का है तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ नेटिवली कोई कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन फोन में मौजूद नहीं है और ये फोन 2 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ आता है। फिर अब आ जाएं बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे, तो यहाँ ओप्पो A60 का एक मेन सेलिंग पॉइंट बताया जा रहा है और वो है इस फोन की 5000 mAh की बैटरी के साथ 45 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग, जिससे ये फोन आधे घंटे में 50% और पूरा चार्ज तकरीबन 1.25 घंटे में होगा। अब यहाँ ये जरूर है कि इस 55,000 वाले प्राइस पॉइंट पे हमें इससे ज्यादा तेज फास्ट चार्जिंग मिलती है, लेकिन अब भी बहुत से फोन्स इस प्राइस पॉइंट पे 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं, तो वहां मैं 45 वॉट्स को जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगा। अब ओप्पो का कहना है कि उन्होंने इस फोन पे 48 मंथ्स की फ्लुएंसी टेस्टिंग की है, जिसकी बिना पे वो दावा कर रहे हैं कि 4 साल तक ये फोन आपको न्यू जैसा महसूस होगा, इसकी बैटरी डिग्रेडेशन बहुत ही कम होगी, लेकिन फॉर ऑब्वियस रीजन मैं इस चीज को पर्सनली खुद नहीं टेस्ट कर पाया हूं। तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि ये ओप्पो A60 ज्यादातर डिपेंड कर रहा है अपनी डिजाइन और अपनी कैमरा गेम पे। इसका स्लिम प्रोफाइल और मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस दोनों इस फोन के बड़े प्लस पॉइंट्स हैं और इसका कैमरा भी इवन दो हार्डवेयर के लिहाज से थोड़ा अंडरस्टैक्ड है। यहाँ कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है और मेन कैमरा सिर्फ 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन वहाँ ओप्पो के एल्गोरिथम्स ओवरऑल अच्छी इमेज निकाल के दे रहे हैं। इसके डिस्प्ले की चॉइस तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आई, 720p IPS LCD डिस्प्ले 55,000 के प्राइस पॉइंट पे समझ से बाहर है। और जहाँ तक बात है प्रोसेसर की, तो भैया इस प्राइस पॉइंट पर हमारे पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो स्नैपड्रैगन 680 या 685 ले लें, या फिर मीडियाटेक का हीलियो G99 जो कि अब पाकिस्तान का कौमी चिपसेट बन चुका है। बैटरी लाइफ इस फोन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है थैंक्स टू द 720p डिस्प्ले एंड स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 55,000 का प्राइस पॉइंट इस वक्त बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव चल रहा है, तो इस ओप्पो A60 को बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि आप लोगों को ओप्पो A60 कैसा लगा, मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इस फोन का कंपैरिजन किसी और फोन के साथ देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।